Hey kids, a very warm welcome to all of you. Myself Anjika and I am back again with our Hindi grammar class. So kids, today we are going to study Hindi व्याकरण. आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 शब्द और वाक्य पढ़ने जा रहे हैं. सो प्लीज ओपन योर हिंदी व्याकरण बुक, जल्दी से ओपन करो एंड पेज नंबर इज 1616. सो स्टार्ट करें. ओके, चैप्टर का आपका नेम है शब्द और वाक्य. शब्द मतलब होता है एक वर्ड और वाक्य मतलब होता है एक सेंटेंस. ठीक है, तो शब्द कैसे बनता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. अगर कोई भी वर्ड, कोई शब्द बनता कैसे है? अगर हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं तो वो शब्द बनता है. जैसे कि सपोज क है या ग है. अगर हम इसे पढ़े क, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, क तो कोई वर्ड नहीं होता ना. अगर हम ऐसे पढ़े क न कन, कन तो कोई वर्ड होता है, समझ आता है. ठीक है, बट अगर हम क न या क ग अलग अलग पढ़े तो वो कोई वर्ड नहीं होता. ठीक है, क्लियर. वर्ड कैसे बनता है? दो शब्द या दो से ज्यादा शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, जो वर्ड बनता है, उसी को शब्द कहते हैं. लाइक ब स बस, ये कौन से शब्द है? दो वर्णों का शब्द. और दो से अधिक कैसे बनता है? लाइक अ द र क, क्या बन गया ये? अदरक. ये एक शब्द बन गया. कैसे बना? शब्दों को, अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर, जो एक कंबाइन करके एक शब्द बनता है, उसी को शब्द कहते हैं. ठीक है, तो वर्णों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है उसी को शब्द कहते हैं. क्लियर हो गया? शब्द कैसे हो सकता है? दो वर्ड का भी हो सकता है या दो से ज्यादा का भी, बट एक सिंगल लेटर कभी भी शब्द नहीं होता. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वर्णों का, शब्दों का वर्गीकरण. ये शब्द जो है वो आगे दो तरीके के होते हैं. कैसे? एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है. निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कुछ मीनिंग नहीं होता, जिन्हें वैसे बोल देते हैं. लाइक घर पे कोई आता है तो हम क्या कहते हैं? यार चाय वाय बना लो, चाय बना लो, वो तो समझ आता है, चाय वाय बना लो. चाय तो मीनिंग है टी, वाय का क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं. तो जो वाय है वो है निरर्थक शब्द और चाय जो है वो है सार्थक शब्द. ठीक है, हम कहते हैं खिलौने बिलौने निकाल लो और खेल लो. तुम अपने जाओ, अपने फ्रेंड्स को लेकर खिलौने बिलौने निकालो और खेलो. खिलौने गया है, सार्थक मीन समझ आता है मीनिंग. बिलौने गया है कुछ भी नहीं, कोई वर्ड थोड़े ना, वो हम वैसे ही बोल देते हैं बस. ठीक है, चलो. तो सार्थक शब्द की डेफिनेशन क्या है? जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे फल, गरम, बरगद, थर्मस आदि, इनकी कुछ मीनिंग है. निरर्थक शब्द क्या होते हैं? मीनिंगलेस वर्ड, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन बातचीत में हम उन्हें अन्य शब्दों के साथ प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि चाय वाय, रोटी वोटी की तैयारी कर लो, रोटी तो समझ आता है, वोटी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता. पानी वानी दोगे? हम कोई गेस्ट आता है तो पापा पानी वानी ला दो, तो पानी तो समझ आता है, वानी क्या होता है? वानी एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं है. देन चाय वाय में क्या होता है? चाय एक सार्थक शब्द है जिसका मीनिंग है, वाय निरर्थक शब्द है उसका कोई मीनिंग नहीं है. देन रोटी वोटी, रोटी इज अ सार्थक शब्द, इट मीन्स इट इज अ मीनिंगफुल वर्ड, एंड निरर्थक इज अ मीनिंगलेस वर्ड जिसका कोई मीन नहीं है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा? शब्द की डेफिनेशन. शब्द क्या होता है? दो या दो के अधिक वर्णों के मेल से सार्थक समूह को, बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. ठीक है, यहाँ से आपकी शब्द की डेफिनेशन प्रिपेयर होती है. नेक्स्ट कम्स कि शब्दों का वर्गीकरण. शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द एंड निरर्थक शब्द. ठीक है, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, मीनिंगफुल वर्ड्स, एंड निरर्थक शब्द मीन्स मीनिंगलेस वर्ड, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज 17. ये आपको नहीं करना है, दिस इज कट.
इतना डीपली नहीं जाएंगे अभी हम. नेक्स्ट कम्स, अब हमने शब्द के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वाक्य के बारे में. हमारा चैप्टर क्या नाम था, शब्द और वाक्य. शब्द हमने पढ़ा क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ी. नेक्स्ट कम्स और वाक्य. आपको पता है जब दो या दो से ज़्यादा हम शब्दों को मिलाते हैं वो तो एक शब्द बन गया, लाइक फल, अदरक, सेब, काला, पीला, नीला, दीज ऑल आर शब्द, ये सिर्फ वर्ड्स हैं. बट जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसको वाक्य कहते हैं. देखो, दो शब्दों या दो से ज़्यादा शब्दों को एक साथ कंबाइन करके तो शब्द बनता है, बट कुछ शब्दों को, यानी कि कुछ शब्दों को लिखोगे एक साथ तो वो क्या बनता है, सेंटेंस. तो वाक्य की डेफिनेशन क्या है, शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है. शब्द है स्कूल जाना है मैंने, ये शब्द है अलग अलग, अब इन्हें कंबाइन कर दो, मैंने स्कूल जाना है, ये क्या बन गया, एक मीनिंगफुल सेंटेंस. बहुत सारे शब्द थे अलग अलग, हमने उन्हें पकड़ के एक साथ कर दिया और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया, इसी को कहते हैं वाक्य. क्लियर? लाइक एग्जांपल, कमल का फूल खिला है, ये अलग अलग वर्ड्स थे, हमने इन्हें कंबाइन कर दिया और ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. नेक्स्ट कम्स, पक्षी उड़ रहे हैं. नेक्स्ट इज, आकाश में चांद निकला हुआ है, ये सब अलग अलग वर्ड्स थे, हमने इन्हें कंबाइन कर दिया एंड वी हैव मेड अ मीनिंगफुल सेंटेंस. क्लियर? अब आपको समझ आया कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द की क्लासिफिकेशन, वाक्य किसे कहते हैं. ठीक है, चैप्टर इज फिनिश्ड, नाउ यू हैव टू डू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज योर बुक वर्क. उपर्युक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. देन इज, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए, मीन्स राइट रॉन्ग है, सारा बुक वर्क है बच्चे. देन चूज द करेक्ट, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, दिस इज योर चूज द करेक्ट. देन ऑन नेक्स्ट पेज देर आर क्वेश्चन आंसर, विकारी शब्द से आप क्या समझते हैं, दिस क्वेश्चन इज कट. अविकारी की परिभाषा हमने नहीं करनी है, हमने करना है वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं. दीज थ्री क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. मैम विल सेंड यू द असाइनमेंट. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.